आई इस वीडियो में हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जानेंगे। यह पुरस्कार कब से दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है और इससे जो राशि है कितना मिलता है। और फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 68वीं भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 है, इसकी घोषणा की गई है। इसमें किसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसे चुना गया, इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर 1954 को। 10 अक्टूबर 1954 को स्थान, मतलब इसे कहाँ दिया जाता है, इसे दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसे मतलब कि किन किन खंडों में दिया जाता है। देखिए, पहला खंड है, इसे तीन खंडों में दिया। पहला खंड है सिनेमा पर, सर्वश्रेष्ठ लेखन, दूसरा है फीचर फिल्म, तीसरा आता है गैर फीचर फिल्म, तो देखिये, यही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसे तीन खंडों में दिया जाता है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ, जो लेखन किया है उसे दिया जाएगा, फीचर फिल्म को दिया जाता है और गैर फीचर फिल्म को दिया जाता है। देखिए, फीचर फिल्म उसे किया जाता है जिसे सिनेमा घर में वितरित किया जाता है, मतलब व्यापार के उद्देश्य से उसे फीचर फिल्म कहा जाता है। तो देखिये, अब बात करते हैं कि राशि कितनी दी जाती है। तो इसमें देखिये, तीन तरह की राशि आपको मिलेगा। पहला मिलता है स्वर्ण पदक, इसमें एक शॉल मिलता है तथा 10 लाख रुपया नगद, 10 लाख रुपया नगद मिलता है राशि के रूप में, स्वर्ण पदक, शॉल तथा 10 लाख रुपया नगद। तो ये देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का कुछ परिचय रहा। परिचय में क्या बना, शुरुआत इसकी 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। स्थान नई दिल्ली, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके जो खंड है, मतलब किन किन खंडों में दिए, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन करने पर फीचर फिल्मों को दिया जाता है और गैर फीचर फिल्मों को दिया जाता है। राशि के रूप में स्वर्ण पदक, शॉल और 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2022 है, इसमें किसे बेस्ट एक्टर जो भी है मतलब उनको जानते हैं। सठवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। तो देखिए, ये तो 2022 में दिया गया, इसके पहले 25 अक्टूबर 2021 को दिया जा चुका है और प्रतिवर्ष मिलता है। तो चलिए, अब 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन कौन है उसे जानते हैं। पहला बेस्ट फीचर, फिल्म, इस फिल्म का नाम है सुरराई पोट्रू, इसके निर्देशक हैं,
सुधा अंगोरा, सुधा अंगोरा। इसमें जो एक्टर का भूमिका निभाया है उस एक्टर का नाम है एक्टर सूर्या, और एक्ट्रेस जो है एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली, बाला मुरली। देखिए पहला है बेस्ट फीचर फिल्म कौन है, सुरराई पोटरू। इसके निर्देशक है सुधा अंगोरा जी, और इसमें जो एक्टर का वो है सूर्या, और एक्ट्रेस जो है अपर्णा बाला मुरली। ये जो सूर्या है इसे 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बेस्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, और जो एक्ट्रेस है अपर्णा बाला मुरली इसे बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। तो चलिए अब जानते हैं, ये तो पहला हो गया बेस्ट फीचर फिल्म। अब आते हैं दूसरा, बेस्ट निर्देशक सचिदानंद के आर। ये देखिए, ये जो सचिदानंद के आर है ये मलयालम फिल्म को बनाए हैं, मलयालम फिल्म जिसका नाम है एक के अयप्पन एक के अयप्पन कोसियम। और देखिए इस फिल्म में जो सपोर्टिंग एक्ट है, सपोर्टिंग एक्टर जो है सपोर्टिंग एक्टर बेजू मेनन, जिसका नाम है बेजू मेनन। कौन है? बेजू मेनन। बेस्ट निर्देशक कौन है? सचिदानंद। मलयालम फिल्म है एक के अयन कोसियम, और इसमें जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्टर माना गया है उसे बेजू मेनन को माना गया है। और बेस्ट एक्टर किसे कहा गया है? बेस्ट एक्टर ये सूर्या है। सूर्या किस फिल्म में? सूर्यराई पोटरू में। तो बेस्ट एक्टर, देखिए हर एक्टर के एक सपोर्टिंग एक्टर भी होता है, तो उसी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेजू मेनन किस फिल्म में? एक के अयन कोसियम में माना गया है। तो बेस्ट निर्देशक यहाँ पर सचिदानंद क्लियर हो गए। तो चलिए अब जानते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म। इस फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर, तुलसीदास जूनियर। इसके निर्देशक हैं निर्देशक मृदुल महेंद्र। ये देखिए जो बेस्ट बेस्ट हिंदी फिल्म है उसका नाम है तुलसीदास जूनियर, इसके निर्देशक है मृदुल महेंद्र। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर, देखिए आप बेस्ट एक्टर तो यहाँ पर सूर्या भी है, लेकिन 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2022, इसमें दो 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 बेस्ट एक्टर हैं, जिसमें जिसमें एक एक तो सूर्या होगा किस फिल्म का? सूर्यराई पोटरू, और दूसरा है अजय देवगन, अजय देवगन। इनके फिल्म का नाम है तनहा जी, द अनसंग वैरियर, अनसंग वैरियर। तनहा जी द अनसंग वैरियर, तनहा
तानाजी ऑन सॉन्ग बॉरियर। देखिए तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में दो बेस्ट एक्टर हैं, पहला है सूर्या, दूसरा है अजय देवगन। पे इनके फिल्म का नाम है तानाजी द ऑन सॉन्ग बैरियर। तो इसके जो तानाजी ऑन सॉन्ग बैरियर के निर्देशक है उसका नाम है ओम राउत। ओम राउत इसके पहले देखिए अजय देवगन को ये तीसर का मतलब बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया, दो इनको ये 2022 में मिला था, 2022 में मिला। और देखिए इनको एक 2002 में इनके फिल्म का नाम था द लीजेंडिंग ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह इसमें ये भगत सिंह का रोल किए थे। भगत सिंह का रोल करने के लिए इन्हें इन्हें राष्ट्रीय बेस्ट एक्टर पुरस्कार दिया गया। और इससे पहले 1998 में इनका एक और फिल्म था जिसका नाम था जख्म। जख्म पर भी इनको मिला था ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो देखिए इनके 3 बार मिला, 1998 में जख्म फिल्म, 2002 में द लीजेंडिंग ऑफ भगत सिंह, और 2022 में मिला तानाजी द ऑन सॉन्ग बैरियर। तो चलिए अब हम जानते हैं जो पर्यावरणीय संरक्षण पर फिल्म है और सामाजिक मुद्दों पर जो फिल्म है उनको हम जान लेते हैं। एक बार इसे देख लीजिए, फिल्म बिटा रहे हैं। देखिए अब सवाल पूछता है, बेस्ट पर्यावरण, बेस्ट पर्यावरण संरक्षण, बेस्ट पर्यावरण संरक्षण फिल्म कौन है, मतलब कि वैसा फिल्म जो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बहुत अच्छी तरह से बतलाता है, उसे नाम है तले डंडा। तले डंडा इसके निर्देशक का नाम है प्रवीण कृपाकर। बेस्ट सामाजिक मुद्दे पर, बेस्ट सामाजिक मुद्दा वाला फिल्म, सामाजिक मुद्दे पर मतलब जो अधिक से अधिक व्याख्या करता है, उस फिल्म का नाम है फ्यूनिनरल। इसके निर्देशक का नाम है विवेक दुबे। तो यही देखिए जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 यही इन्हीं सब मतलब बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस इन्हीं इन्हीं को बनाया गया है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, पूछे कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर कौन है, तो अजय देवगन फिल्म तन्हाजी द ऑन सॉन्ग बैरियर, और दूसरा है सूर्या जिनके फिल्म का नाम है सुराराई और पोट्रू। और पूछता है बेस्ट एक्टर, तो उनका नाम है बेस्ट एक्टर का नाम क्या है, बेस्ट एक्टर का नाम अपर्णा बाला मुरली। और पूछे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, बेजू बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उनका क्या नाम है, बेजू मेनन। हाँ बेजू मेनन। और पूछे बेस्ट पर्यावरण संरक्षण फिल्म किसे, तले डंडा प्रवीण इसके निर्देशक कौन है, प्रवीण कुमार। बेस्ट सामाजिक मुद्दे फिल्म फ्यूनरल इसके निर्देशक हैं विवेक दुबे। तो चलिए यह वीडियो यहीं पर अभी समाप्त होता है।